नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि राउंड वन में वेदांतु में वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके बारे में। तो उसका जेन्युइन सोर्स कहां से मिलेगा आपको, जो आपको मेल आया है एप्लीकेशन करने के बाद वेदांतु से, वहां से ही आपको उसी मेल के अंदर ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर वो मेल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये मेल कल भी आपने बताया था वीडियो में, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था जो था राउंड वन सिलेक्शन प्रोसेस एंड गूगल फॉर्म क्वेश्चंस। ओके, तो गूगल फॉर्म में ये वीडियो की लिंक अपलोड करनी है, वो सारी चीजें मैंने पहले ही वीडियो में बता दी है और ऐसे 21 प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी माहिती पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखी है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यानी कि वीडियो कैसे बनाना है उसका इन्फॉर्मेशन का जेन्युइन सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो मेल आएगा वहां से भी आप ले सकते हो। और अगर मेल ना आए तो, मेल नहीं आता है तो आप यूट्यूब की एक चैनल सर्च कर सकते हो जिसका नाम है COE वेदांतु। जैसे ही आप जाएंगे COE वेदांतु पे तो आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा, यही वीडियो मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने प्योरली डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करना है, बट ये इंग्लिश में है, मैंने इसका क्रक्स पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसफर करके आपको बता रहा हूं। और इसके साथ में इन्होंने एग्जांपल्स वीडियो भी ऐड किए हैं, यहां पर ही अटैच किए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं ये वीडियोस। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में से हमें समझना यही है कि हम डायरेक्टली अपने मोबाइल से, मोबाइल को किसी स्टैंड पे रख के, अच्छी जगह पर स्टेबल रख के, स्टेबल यानी हिलना नहीं चाहिए, ऐसा रख के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को, जैसे इस सर ने किया है। तो ये सर का आप फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा, इनमें से जो देखने वाली चीज ना वो फेशियल एक्सप्रेशन है, कितना बढ़िया उन्होंने यूज किया है फेशियल एक्सप्रेशन का। और इनकी जो पीपीटी है, जनरली आप देखिए ये पीपीटी की स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है, वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रॉपर लाइटनिंग भी रखनी है। सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट छोटा सा पहले ये ग्लिम्स देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने अपना हाथ के मूवमेंट को यूज किया है, 1 2 3 4, एक वो चीज देखिए। दूसरी चीज देखिए आप, ये जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है तो वो क्वेश्चन करके साइड फेस दिखा रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो स्माइली फेस बना रहे हैं, तो ये चीज वहां पर देखी जाती है। ये चीज किसने बताई है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये चीज वीडियो में ये भाई साहब ने बताई है जो वेदांतु से ही है और COE वेदांतु चैनल को रन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो है, सिर्फ एक ही वीडियो है। अगर आप COE वेदांतु पे जाएंगे तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स के अगर आप व्हाइट बोर्ड से, क्वेश्चन तो ये भी होगा कि व्हाइट बोर्ड से हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हाँ हम व्हाइट बोर्ड का यूज करके भी पढ़ा सकते हैं। ये मैडम ने व्हाइट बोर्ड को एक सेंटर पे दीवार पे रखा है और वहां से पढ़ा रहे हैं, तो इनका भी वीडियो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि आप व्हाइट बोर्ड का यूज करके भी पढ़ा सकते हैं, सो दैट इज फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। अब हम तीसरी बार की बात करते हैं कि तीसरे में हम क्या पॉइंट देखने वाले हैं, कि क्या हम वीडियो का यानी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बना के, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ उसका वीडियो बना के क्या आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास एक सॉफ्टवेयर का मैं नाम बता रहा हूं आपको, स्क्रीन कास्ट ओमेटिक। ये सॉफ्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के बाद आप वो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें समराइज करना है, जैसे कि राउंड वन में वीडियो देते वक्त हमें क्या चीज देखनी चाहिए या क्या चीज समझनी चाहिए। तो नंबर वन चीज है डिलीवरी स्किल। डिलीवरी स्किल से मतलब होता है कैमरा का प्रेजेंस, आपको इधर उधर नहीं देखना है, सामने फोकस करके देखना है।
वर्ड पर मिनट, एक मिनट में आपको कितने वर्ड्स बोलने हैं, 150 से लेके 200 तक के वर्ड्स आप बोल सकते हो, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। तो एक बार वीडियो को रिकॉर्ड कर लो और फिर देख लो कि किस तरीके से आप ये 150 से लेके 200 वर्ड बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। इससे अगर बहुत कम हुआ, एक्चुअली 130 से लेके 200 समझ लीजिए कि ये रेंज है आपकी, उसमें 150 से लेके 170 बेस्ट कहा जाएगा, 130 भी चलेगा और 200 भी चलेगा। उससे ज्यादा जाओगे तो बहुत फास्ट रहेगा, उससे कम जाओगे तो बहुत स्लो रहेगा। ये भी चीज उन्होंने, वही सर ने अपने वीडियो में बताई है, काउंट नहीं बताया है मगर ज्यादा स्लो है या ज्यादा फास्ट है इस तरीके से बताया है। और मैंने अपना लॉजिकली कि एक सेकंड में हम 3 वर्ड्स बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से, तो उसी के हिसाब से 180 की रेंज बना दी, 150 से लेकर 170 वर्ड्स पर मिनट और 130 से लेकर 200 वर्ड्स पर मिनट। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसको लिखते हैं हॉस्पिटल रूल, पर उसको प्रोनाउंस किया जाता है एल हॉस्पिटल रूल, तो एस साइलेंट होता है वहां पर। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स आप जो बोल रहे हैं वहां पर, अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जो बहुत ही अच्छा है इंग्लिश में या आप हिंदी में पढ़ा रहा है तो हिंदी में बहुत अच्छा है, तो उनको बोलिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या आपको सही में पता चल रहा है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरे भी वीडियो में गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूंगा। फिर बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। तो फेशियल एक्सप्रेशन का तो हमने एग्जांपल देख लिया कि आपको क्वेश्चन होता है तो उस टाइम पे आपके सिर पे थोड़ी सी रेखाएं आनी चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन हास्य का होना चाहिए, ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। नेक्स्ट होता है इजी एक्सप्लेनेशन। इजी एक्सप्लेनेशन का मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है चीजों को समझाने के लिए तो शॉर्ट ट्रिक का ज्यादा यूज करिए, डिटेल में मत जाइए। बच्चों को सारी चीजें नहीं पढ़ानी होती है, बच्चों को उतना ही पढ़ाना होता है जिसको ज्यादातर याद रख पाए, तो उसी तरीके से पढ़ाइए। फन एंड ह्यूमर एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा देवेंद्र नेगी सर का, जो अनएकेडमी पर पढ़ाते हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं वर्ड जमाचम जमाचम जमाचम, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, तो ये सारे जो वर्ड है वो कहीं पढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, बट उससे क्या होता है कि बच्चे वो वर्ड सुन के उनको गिमिक लगता है, उनको अच्छा लगता है, बार बार ये वर्ड सुनते हैं ना, तो वो लोग लेक्चर अटेंड करने आते हैं कौन से नाम से, जमाजम लेक्चर। तो जब भी देवेंद्र सर का नाम आता है तो जमाजम लेक्चर है। देवेंद्र सर ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट है गेट 2020 के। ओके, सिस्टम कौन सी आपको लेनी चाहिए, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी मेल के अंदर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि सिस्टम आपकी i5 यानी इंटेल i5 प्रोसेसर, i5 जनरेशन का होना चाहिए और 8GB की रैम होनी चाहिए, i5 प्रोसेसर और 8GB की रैम, ये लिखा हुआ है, और उससे ज्यादा हो तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, और हाई क्वालिटी HD 180 पिक्सल इनबिल्ट एक्सटर्नल वो वेबकैम होना चाहिए। अब ये चीजें आपको एक सेकंड हैंड पीस, एक लैपटॉप है जो अमेजोन पे अभी अवेलेबल है, आपको शायद नहीं मिलेगा मगर मैंने उसकी लिंक निकाल कर रख दी, आपको 20,000 रुपये में ये चीज मिल सकती है, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक रिन्यूड लैपटॉप है, रिन्यूड का मतलब होता है सेकंड हैंड लैपटॉप है, फर्स्ट यूज नहीं है। एक्चुअली इसकी जो कीमत है वो है 40,000 रुपीज, बट हालांकि ये रिन्यूड है तो ये आपको 21,949 रुपीज में मिल रहा है। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में है i5 प्रोसेसर है जो मांगा गया था वेदांतु से, और 8GB की रैम भी है और 500GB हार्ड डिस्क है, साथ में विंडोज 10 का सपोर्ट भी है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये अगर सेकंड हैंड है तो क्या इसकी वारंटी मिलेगी, तो हाँ, अगर आप अमेजोन से परचेज करते हो तो 7 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलेगी और 6 मंथ की वारंटी भी आपको मिलेगी। अगर आपको यही प्राइस पे इसको परचेज करना है, ओनली थोड़े से ही अवेलेबल होते हैं ये जो सेकंड हैंड होते हैं वो वाले लैपटॉप, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है अमेजोन से, लैपटॉप एज पर दी स्पेसिफिकेशन फ्रॉम वेदांतु, वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हो। तो ये लैपटॉप लेके आप उसमें सिस्टम और वेबकैम दोनों सेटिस्फाइड कर लोगे। माइक के लिए अगर आपको बोया BY-M1, मेरा अगर आवाज आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके की वॉइस क्वालिटी आपको चाहिए कि बाजू से आपको पंखा का या फैन का या दूसरी कोई नॉइज ना आए, तो उसके लिए आप माइक बोया BY-M1 माइक यूज कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप अमेजोन का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन आपका 10 Mbps होना चाहिए। 10 Mbps में क्यों बोल रहा हूँ, वेदांतु ने तो 8 Mbps अपलोड एंड डाउनलोड बोला है, मैं बोल रहा हूँ कि 10 Mbps अपलोड, 10 Mbps डाउनलोड और 10 मिलीसेकंड का पिंग टाइम,
ये स्टैंडर्ड आप रख लीजिए, इससे इससे आपके सभी ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म, मैंने अभी तक 22 ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म को सर्च करवा दिया है और 22 में से किसी में भी इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी रिक्वायरमेंट है कि 10 Mbps का अपलोड डाउनलोड एंड 10 मिलीसेकंड का पिंग टाइम। तो ये याद रखिएगा 10-10-10 का रूल, तो आपका काम ऑनलाइन ट्यूटरिंग में खत्म हो जाएगा। पावर बैकअप के लिए आप UPS भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो वो इन्वर्टर भी आप रख सकते हैं पावर बैकअप के लिए। पावर बैकअप की भी इंफॉर्मेशन मांगता है वेदांतु। रूम लाइटनिंग, रूम लाइटनिंग में आपको क्या देखना है, देखिए अभी फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, तो मेरे पीछे लाइट नहीं चल रही है, मेरे आगे लाइट चल रही है। तो अगर आपके पास आगे लाइट नहीं है तो छोटी सी लाइट या बल्ब या होल्डर ऐसा ले लीजिए जो आपको आगे से लाइट दे, ताकि आपका फेस अच्छी तरीके से दिखाई दे। आपके पीछे की लाइट होगी तो वो आपका शेडो बना के आगे रखेगी। पीछे नहीं लाइट करनी है, आगे लाइट करनी है, बस इतना याद रखिएगा। रूम लाइटनिंग को भी ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आप वीडियो बनाएंगे और उनको अपलोड कर देंगे तो मेरा ख्याल से आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। अगर आपने कोई भी सक्सेस स्टोरी करी है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पे आके, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को आगे लेके जाऊंगा। और हाँ, मैंने ये स्टोरी के जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी मेक लर्न टू अर्न की एक पर्सन है, एक मेंबर है, जिनकी ये जिनको ये मेल आया था, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया ताकि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। उनका नाम मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी उनकी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उनकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी मैं उनकी सक्सेस स्टोरी का वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हियर योर होस्ट एंड दोस्त जयवीर शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।